एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए काले चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे तो हम सभी घर पर बनाते ही हैं, लेकिन मैं आज किस तरह से बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो समय को बर्बाद ना करते हुए तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी चने को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था और चना हमारा जो है अच्छी तरह से फूलकर बड़ा बड़ा हो गया। आप चाहे जितना भी चना ले सकते हैं, मैं यहाँ पर एक कटोरी चने का ही यूज कर रही हूँ। तो इसे हम सबसे पहले कुकर में बॉइल करेंगे। इसे बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हम सारे चने को चने में हम पानी उतना ही ऐड करेंगे ताकि चना हमारा जो है खाली पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। इसे हम इस तरह से कर लेते हैं और इसमें हम नमक और हल्दी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे चने जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और एक तेज पत्ता और थोड़ी सी इसमें हम तेल डालेंगे। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसका ढक्कन लगा के हम इसे एक से दो सीटी लगा लेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं लगाएंगे। अब इसे हम तेज आंच पर एक से दो सीटी लगा लेते हैं। जब तक कि हमारा कुकर में सीटी लग रहा है तब तक हम एक तरफ मसाले इसके ये तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैं इसमें सरसों का तेल से ही बना रही हूँ, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और एक सूखी मिर्च को हम इस तरह से बीच से तोड़कर डाल देते हैं। जीरा जो है हमारा अच्छे से चटक गया है। अब मैं यहाँ चार छोटे साइज की प्याज को लंबे लंबे टुकड़े में काट कर रखी हूँ, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। प्याज को हम अच्छा सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसे मैंने दो से तीन सीटी लगाकर उतार दिया है। जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाले भून लेते हैं। तो प्याज जो है हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैंने यहाँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा है, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। हम कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे। तो लहसुन भी जो है हमारा अच्छे से भून गया है। अब मैंने एक छोटे साइज के टमाटर को रफली काट के रखा है, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इससे चने का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच तीखा लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके अच्छे तरह से भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक हम ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि मैंने पहले भी चना में नमक डाल कर रखा है। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमने जो टमाटर दिया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम एक से दो मिनट के लिए भूनेंगे। तो देख सकते हैं हमारे मसाले जो है अच्छे से भून गए हैं और इसमें से तेल भी सेपरेट हो चुका है। हमारा कुकर भी जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम खोल लेते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा चना जो है कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। अब चने को हम अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि चना हमारा आगे से ही उबला हुआ है। बस अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला डालेंगे, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम एक से दो मिनट के लिए मसालों में अच्छी तरह से पकने देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च डालेंगे, इससे चने का कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए हमारा चना और मसाला जो है अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। हम दो से तीन हरी मिर्च को बीच से कट करके रखा है और थोड़े से अदरक को लंबे लंबे टुकड़े में काट कर रखा है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें एक चम्मच के करीब हम देसी घी डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। चने की खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आ रही है। एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनता है। चलिए गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। तो चना जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब इसे हम थोड़े से पतले पतले कटे हुए प्याज से गार्निश कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो देखिए देखने में लग रहा है ना कितना सुंदर, इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा।